हेलो, सीएम ने डील मंजूर कर ली है। तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। अब लड़की को लेकर सीधे डॉकयार्ड पहुंचो। ठीक है, तुम पहुंचो, अपुन भी तुम्हारे पीछे पीछे आता है। ओके। मुझे लगा था तुम बुरे इंसान हो, पर तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारे अंदर एक सच्चा इंसान छुपा है। सच्चा बच्चा गया तेल लेने। तुझे जिंदा रखने के पैसे मिल रहे हैं मुझे। तुमने मुझे पैसों के लिए अगवा किया? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? सीएम की बेटी। पैसों के लिए तो मैं पीएम की बेटी को भी किडनैप कर लूं। अब उनको तो बस सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, पैसा, रुपया, पाउंड, डॉलर। मुझे अगवा करवाने का मकसद जानते हो? अगर तुमने मुझे उनके हवाले कर दिया तो मेरे पापा उनके आगे मजबूर हो जाएंगे, और ये गुंडे जरूर मेरे पापा से कोई ना कोई गलत काम करवाने की कोशिश करेंगे। अगर पापा ने उनके सामने हार मान ली तो सोचो वो कैसी कैसी तबाही मचा सकते हैं। न जाने कितने मासूमों की जान चली जाएगी, और इन सब के जिम्मेदार तुम होगे। इतना सब कुछ बताने के बाद तुम्हें अब भी पैसों से प्यार है? मेरी भी क्या किस्मत है, मैं उस आदमी से मदद मांग रही हूँ जिसने मुझे अगवा किया है। मुझे पापा के पास ले चलो, मैं तुम्हें 5 करोड़ दिलवाऊंगी। तुम अपने वादे के मुताबिक सीएम की बेटी को लेकर आए, हम तुम्हारी कद्र करते हैं। सुनो, जाओ लड़की को लेकर आओ। निकल। लड़की को छोड़ दे। क्या रे चोर कंपनी, तुम लोगों को मैं शक्ल से मामू दिखता हूँ? सीएम की बेटी को किडनैप करने के 50 लाख, इतने सस्ते में पीछा छुड़ा रहे हो? इसको किडनैप करने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, उसका हिसाब कौन चुकाएगा? मुझे लगा ये चूहे बिल्ली का खेल कुर्सी पाने के लिए खेला जा रहा है, लेकिन तुम तो भोले भाले लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हो। मैंने इरादा बदल दिया है, अब माल डिलीवर नहीं होगा, अब उनके ही गोडाउन में रहेगा। चल बेबी। ए, इसके हाथ पांव बांधो और लड़की को लेकर आओ। अच्छा,
ये रही रस्सी और ये रहा पांव। बिछवाड़े में दम है तो आकर बांध ले। हमारी माँ ने हमारी जान बचाई चिरकुट और हमें पुजारी जी के आश्रम ले गई। लड़के की तुम लोग चिंता मत करो। हाँ। बस इसका रहने का बंदोबस्त कर दो। जी पंडित जी। तेरे सिक्स पैक तो नहीं है लेकिन फ्लैशबैक अच्छा है। अरे यार, जब तूने इसे गुंडों से बचा लिया है तो इसे घर क्यों नहीं छोड़कर आता? इस नन्ही सी जान की जान को खतरे में क्यों डाल रहा है? उस वक्त इसे कुछ भी याद नहीं था। अगर मैं इसे घर ले जाता तो वो लोग मुझे पकड़ लेते और जेल में डाल देते। अरे पर अब तो इसे सब कुछ याद है ना, इसे लेकर क्यों घूम रहा है? इसे अपने घर पर छोड़ देना। एक तरफ पुलिस हमारी तलाश कर रही है और उधर दूसरी तरफ गुंडे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। क्या तुम्हारा परिवार तुम्हें तलाश नहीं कर रहा होगा? ये बताओ, इसे वापस घर छोड़ रहे हो या नहीं? इरादा तो यही है। एलेक्स, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या पूछना था? ये क्या चीज है? ये कहाँ से मिला? गुलेल है। गुलेल मतलब? This is weapon. चल जाए तो AK-47। कहाँ शोले की बसंती बनने की कोशिश कर रही हो? छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। कहाँ जा रहा है चिरकुट? ब्यूटी पार्लर जा रहा हूँ। हाथ में लोटा दिख नहीं रहा है? जानबूझकर लड़की के सामने मजाक उड़ाता है। साफ जगह ढूंढना, जंगल में बहुत साफ है। वैसे इस गुलेल से लोग क्या करते हैं? करने को तो बहुत कुछ करते हैं, वैसे ज्यादातर लोग पंछी का शिकार करते हैं। प्लीज प्लीज, ये गुलेल कैसे चलाते मुझे सिखाओ ना। आउटडोर में जो मजा है वो इंडोर में कहाँ? तबीयत हरी भरी हो जाती है। ये पत्थर को सड़ा, इसको ऐसे खींचो, निशाना लगाओ और छोड़ो। ए, ये पानी मुंह धोने के लिए नहीं था, पोटी के चक्कर में पोटी अटक गई। आज तो पत्तों से ही काम चलाना पड़ेगा। अच्छा निशाना था, प्रैक्टिस करोगी तो चैंपियन बन जाओगी। ये मधुमक्खियां यहाँ कौन सा रस पीने आ गई? हे
गाना खत्म हो गया। मैंने पहले ही कहा था इसे गुलेल मत सिखा, देखा ना इसका नतीजा क्या हुआ। चल उठ। तुम्हें कितनी मधुमक्खियों ने काटा है, दर्द नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, मुझे बचपन से दर्द सहने की आदत है, तुम चिंता मत करो। ये तो मक्खियां हैं, मुझे मच्छर भी काट जाए तो भी मुझे मलेरिया नहीं होता। तुम जाओ यार, जाओ जाओ, चिंता मत करो, जाओ। क्या कहा तूने रोमियो? 36 24 36 फिगर वाली लड़की जब तेरे पे गिरेगी तो दर्द कैसे होगा? अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, मैं नहीं सह सकता, मैं घर जा रहा हूँ। ए चरकोट, सच में घर जा रहा है? हाँ सच में जा रहा हूँ। अपनी बहनों को मेरा प्यार देना। चरकोट, मुझे भूलेगा तो नहीं ना? तुमने जो किया उसके बाद कभी नहीं भूल सकता। चरकोट, वादा कर अगली बार आएगा तो तीनों बहनों को साथ लेकर आएगा। हाँ, तीनों बहनों को और जमाइयों को भी लेकर आऊंगा। सुधरेगा नहीं।